हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो सुबह का टाइम है, दिन है आज शुक्रवार का, तारीख है आज 14 मई। तो चलिए करते हैं अपने दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ, और सुबह के बजे हैं 9। तो फ्रेंड्स, जो है आज है ईद, और आप सभी को ईद मुबारक हो। और जो ये त्यौहार होता है, हिंदू का हो चाहे मुस्लिम का हो, सभी अपने धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन जो है कोरोना की वजह से इतनी धूमधाम से नहीं मना पाएंगे, और फिर भी अपनी खुशी को अच्छी तरह सेलिब्रेट कीजिए, अपनी फैमिली के साथ कीजिए और अपने दोस्तों के साथ फ़ोन पे शेयर कीजिए। लेकिन कहीं मत जाइएगा, अपने घर रहिए, सेफ रहिए, और अपनी फैमिली के साथ ईद को बहुत अच्छी तरीके से मनाइएगा। सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जो था, घर का हमारा सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा वगैरह। और कल जो था, मैंने पोछा वगैरह नहीं लगाया था क्योंकि मेरी तबीयत डाउन थी। डाउन तो आज भी है, लेकिन फिर भी मैंने आराम आराम से लगा दिया, क्योंकि एक दिन बीत जाता है, 2 दिन नहीं चलता है पोछा लगाने में, और ऐसे ही गंदा तो हो ही जाता है। चाचा जी और मैं गए हुए हैं खेत में, और पापा जो है खेत में नहीं जा रहे हैं। पापा मम्मी है नीचे, और मम्मी जो है कर रही है पशुओं का काम, यानी झाड़ू वगैरह ये सब काम करती रहती है, चारा वगैरह डालना। तो मुझे करना है ऊपर का काम, और ऊपर जो है, वैसे तो हमारे घर की क्लीनअप सारी हो चुकी है, किचन वगैरह का काम भी सारा हो चुका है। अब मुझे बनाना है खाना, और खाने में जो है लौकी की सब्जी बनाती हूँ। अभी तो लौकी वगैरह ही चल रही है, लौकी तोरी ऐसी चीज़ें चल रही है। और जो है हरी सब्जियाँ वैसे खाने में अच्छी होती है, लेकिन हरी सब्जी की ज़्यादा मार चल रही है। यानी कि कल ये बाज़ार से लेकर आए थे, वैसे हमारे पास का बाज़ार है, वहाँ पर सब्जी वगैरह की दुकान तो खुली रखी है, लॉकडाउन तो है, लेकिन जो है सब्जी वगैरह की ठेली वगैरह लगी रहती है, यानी कि दुकानें खुली रहती है, राशन की दुकानें ये सब चीज़ें। और हाँ, हमारे पास कई सारे कमेंट आए हुए थे कि आपकी सासू माँ आपसे अलग रहती है क्या, आपको मतलब कि कमेंट पढ़ के हंसी भी आती है कि कोई कोई कमेंट कैसे करता है। जो है हमारी सासू माँ हमसे अलग नहीं रहती है। मम्मी जो है अपने मायके गई हुई थी शादी में, और 10 दिन में शादी से 10 दिन में आई है शादी से। तो हमने मम्मी को और पापा को क्वारंटाइन करके रखा हुआ है, पापा भी चले गए थे फिर शादी में। और हमने सोचा कि हमारे पास कमेंट भी आ रखे थे कि आप जब मम्मी आए, आपकी सासू माँ आए, तो क्वारंटाइन करके रखना उन्हें, तो सभी ने बोला। तो इसलिए हमने उन्हें 10-15 दिन के लिए क्वारंटाइन करके रखा हुआ है। अभी 6-7 दिन हो गए उन्हें, 1 हफ्ता हो चुका है, और 1 हफ्ता और रखेंगे। वैसे तो तबीयत सही है, मम्मी का थोड़ा गला बैठ रहा था गीत वीत गाकर, तो वो भी ठीक हो चुका है। और हम ज़्यादातर आपको मम्मी नहीं दिखा पा रहे हैं वीडियो में, क्योंकि मम्मी नीचे रहती है और ऊपर का काम जो है मैं ही करती रहती हूँ, और नीचे जो है मैं नहीं जा रही हूँ अभी, क्योंकि मम्मी हर क्वारंटाइन हो रखी है, और मुझे जो है अपनी बहुत ज़्यादा सेफ्टी बरतनी पड़ रही है। और मास्क जो है मैं घर में नहीं लगा के रखती हूँ। कोई कमेंट करता है कि आप मास्क लगा के रखा करो पूरा दिन, और कोई कहता है कि पूरा दिन ना लगाओ। जब मैं अकेली होती हूँ, जब मैं मास्क नहीं लगाती हूँ, लेकिन जो है जब यानी कोई हमारे घर आ भी जाता है, आस पड़ोस के मतलब ज़्यादा तो नहीं आते, बच्चे वगैरह आ जाते हैं, तो जब लगा लेती हूँ। तो चलिए जी, हम जो है मम्मी से अलग नहीं रहते हैं, ना मम्मी हमसे अलग रहते हैं, क्योंकि हम फैमिली में 5 मेंबर हैं, मम्मी पापा मैं और मेरे हस्बैंड और चाचा जी, हम ही अलग रहेंगे तो कैसे चलेगा, यानी कि 5 जने हैं, अलग अलग कैसे रहेंगे, अच्छा भी नहीं लगता ऐसे, और छोटी सी हमारी फैमिली है। तो चलिए जी, हमने आपको बता दिया कि हमारी सासू माँ हमसे अलग नहीं रहती है। तो मुझे करना है काम, और मेरी तबीयत जो है कभी ठीक हो जाती है, कभी ख़राब सी हो जाती है। और ख़राब भी क्या है, मेरे सर में जो है दर्द है फ़िलहाल, और मैंने जो है नींबू वगैरह की मात्रा ज़्यादा खा ली है, यानी कि बोल रहे थे कि नींबू वगैरह खाना चाहिए, तो मैंने नींबू खा लिया है। खटाई मैं ज़्यादातर नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे जुकाम वगैरह हो जाता है, तो नींबू खाने से थोड़ा मेरे सर में दर्द है और हल्का सा नज़ला महसूस हो रहा मुझे। वैसे तो मैंने दवाई ले ली है, आराम है, लेकिन नींबू की मात्रा जो है मैंने चटपटा था, थोड़ा ज़्यादा खा लिया, तो इस वजह से मुझे हो गया है जुकाम। तो चलिए जी, मैं करती हूँ अपना काम, तो बने रहिए हमारी वीडियो में एंड तक। और मैं गई हुई है खेत में। तो देखिए फ्रेंड्स, जो है लौकी की सब्जी हमारी कट चुकी है, तो अब मैं इसे कर लेती हूँ छोंकने की तैयारी। और पहले धो के काटी है मैंने, और फिर दोबारा से धोई जाएगी काटने के बाद। ये देखिए, वैसे तो हम चने दाल की बना लेते हैं, बिना चने दाल की बना लेते हैं, तो पूछते हैं मम्मी से कैसी बनवाती है, चने दाल वाली या बिना चने की दाल वाली। तो चलिए जी, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद सब्जी छौंकने के बाद।
फ्रेंड्स देखिए, जो है ये है बिल्ली, मैं हूँ। और जो है दूध की तलाश में बैठी है, और अभी जो आ गई थी ये देखिए, और यहीं पे बैठी रह गया, और इसे हम भगा भी रहे लेकिन नहीं जा रही है। और जो है दूध की बाल्टी यहाँ पर टंगी रहती है, तो यह वहां से तलाश कर रही कि मैं कब दूध पीऊं। और जल्दी शर्मिंदगी आ गई। फ्रेंड्स देखिए, जो है हमारा खाना बन चुका है, और जो है दोपहर का टाइम है, दोपहर के बजे है 12, और जो है खाना भी सभी ने खा लिया है, और मैंने धोने डाल दिए हैं कपड़े, और लाइट भी आ रही थी तो थोड़े से कपड़े पड़े थे, कल बृहस्पतिवार था, कपड़े नहीं धुले थे, तो मैंने कपड़े धोने के लिए डाल दिए हैं, और जो है कपड़े मशीन में धुल रही है, और फिर मैं निकाल दूँगी उन्हें कपड़ों को, और फिर सूख जाएंगे। तो देखिए जी, जो थोड़े से कपड़े थे मैं पड़े हैं, और अभी मैं कर लेती हूँ आराम, क्योंकि मेरे सर में अभी भी थोड़ा सा दर्द है, और थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, और फिर करते हैं आप सभी से बातें। और मैं खेत से आ चुके हैं, नीचे हैं, और नीचे का काम भी देखते हैं, आपको दिखाते हैं पशुओं का जो काम करना है, चारा वगैरह डालना है दोपहर के टाइम का। तो जी चलिए, बने रहिए हमारी वीडियो में। दोपहर का टाइम है, और कपड़े जो है मैंने धो दिए हैं, ज़्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़े ही थे, कुछ पहले धो के सुखा दिए थे, सुबह लाइट आई थी, कुछ अब दोपहर के टाइम पे, तो अब मैंने फैला दूँगी। बेडशीट वगैरह भी मैंने धोई है, और आज दूसरी बेडशीट चेंज की थी, तो चलिए मैंने धूप में सूखने के लिए डाल देती हूँ। आज जुकाम सो रहा हूँ मुझे, जुकाम सो रहा हूँ। तबीयत कैसी है? ठीक ठाक सी है, मैंने दवाई ले रखी, सही है। और जो है मैं बता दूँ आपको सभी को, दो दिन से तबीयत जो थी ज़्यादा ही टाउन सी थी, आज ठीक है, थोड़ा बहुत काम किया है, और लेटे लेटे भी कमर दुखने लगती है, इसने सोचा कि कपड़े धो लेते तो खाना पीना सब चीज़ रेडी था, बनाया है खुद ही, लौकी की सब्जी बनाई है आज। मैं तो अभी आया हूँ खेत से, अभी समय हुआ है 12 बजे हुए दोपहर के, और हम भी खेत में लगे हुए थे, खेत में चल रही है खुदाई, पहले कल हमने जुताई की थी उसकी, और उसी खेत को हम खोद रहे हैं फावलों से, तो वहाँ पे तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं लगा, तो अभी आया हूँ। अभी अब खाना वाना खाया है, नहा धो के आराम से आराम करेंगे, और आप सभी को ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं, और तो आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईद मुबारक हो, ईद मनाइए, खुश रहिए, खुश रहिए, अपना त्यौहार मनाइए, अपने घर पे ही रहिए, सेफ रहिए, कई बार मत जाइए ईद मनाने के लिए, अपनी फैमिली के साथ मनाइए, बस फैमिली के साथ ही मनाइए, क्योंकि ऐसा होता है कि करना है, अगर आपको फोन से कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो किसी को भी, लेकिन बाहर किसी के घर मत जाइएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि ईद मनाने के लिए अपने रिलेटिव के पास भी जाते हैं, इनकी रिलेशनशिप में होते हैं, रिश्तेदारी में सभी जगह जाते हैं, हमने देखा है अपने गाँव में, तो इसी वजह से हम आपको बोल रहे हैं अपने घर रहिए, सेफ रहिए, अगली बार मना लीजिएगा, भगवान करे अगली बार अच्छा हो सब कुछ, अगली बार अपनी ईद और खुशी के साथ मनाइएगा। ये देखिए मास्क, मास्क मास्क, पहले कोई जानता भी नहीं था मास्क क्या होता है, अब बच्चे बच्चे से पूछ लो मास्क क्या चीज होता है, अब ठीक है ना, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास, अब जो है हाँ अब तो ठीक है, वैसे थोड़ी आवाज में फर्क लग रहा होगा, मतलब कि जुकाम हो जा फिर तो पता ही आपको, आवाज भी अलग अलग सी आने लगे, कि दवाई तो लेनी पड़ेगी जब जुकाम हो रहा है, ज्यादा तो नहीं ली, डॉक्टर के सलाह से ली है, ऐसा नहीं है कि मैंने खुद ली है, घर पे ही आए थे डॉक्टर, और जिसके यहाँ से मेरी दवाई चल रही थी उससे भी पूछा है, उसने लिख के दे दी थी, तो डॉक्टर से हमने ले ली थी दवाई, सामने नहीं गए हैं हम, फ़ोन पे बात कर ली थी। हम अपनी वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो देखने को मिले। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना, स्टे होम स्टे सेफ।